सो हाय गाइस एंड वेलकम टू ट्रांजिट टेक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे यूज करके आप अपने फोन के बैक पैनल पे डबल टैप करके बहुत सारे फंक्शंस या फिर एक्शंस को टॉगल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट ऑन करना हो या फिर कैमरा ओपन करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, ऐसी एंडलेस एक्शंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं, और वो सभी सिर्फ और सिर्फ ये एक एप्लीकेशन के जरिए। अभी एक डेढ़ महीना पहले भी इस एप्लीकेशन का बीटा वर्जन मिल रहे थे, पर मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास जो एंड्रॉइड 8 वाला डिवाइस है उसमें ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। ये एंड्रॉइड 7 प्लस वालों के लिए है, पर तभी एंड्रॉइड 8 में ये सही से वर्क नहीं कर रहा था। मतलब इसका काम वो कर देता था पर बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा होता था ये जो बैकग्राउंड में रन करता है उस वजह से। तो अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको सिंपली इसे एक्सेसिबिलिटी की परमिशन देना पड़ेगा। इसका नाम है टैप। ये ऐप एक्सटी डेवलपर्स की तरफ से मोडेड है। अभी बिल्कुल सेट हो चुका है, पर वीडियो को आपको थोड़ा आगे तक देखना पड़ेगा ताकि आप इसके सारे फीचर्स को प्रॉपरली यूज कर सकें। तो गेस्चर्स में आपको डिवाइस मॉडल का एक ऑप्शन मिलता है जिसका कि कोई भी काम नहीं है आपके लिए। ये जो सेंसिटिविटी का फीचर दिया गया है आपको, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। तो क्योंकि मैं अभी इस केस के साथ, जो कि थोड़ा मोटा है, अभी मी एथी को मैं इस केस के साथ यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए इसका जो डिटेक्शन है डबल टैप का, उसे थोड़ा एक्यूरेट बनाने के लिए मैं इसका सेंसिटिविटी को हाई कर दिया। तो अगर आप अननेसेसरी रजिस्टर्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप इसे घटा सकते हैं, पर मेरे लिए अभी ये इतना ही सही है। तो अभी आपको एक्शंस के टैब में बहुत सारे एक्शंस मिल जाते हैं, पर अभी फिलहाल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ दो एक्शंस को प्रीलोड किया है। तो अभी मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं इन्हें सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ डिलीट पे। ऐड न्यू एक्शन के थ्रू आप नए एक्शंस ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मैं अभी यूटिलिटीज़ के अंदर फ्लैश लाइट को ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको इसके साथ मल्टीपल एक्शंस करना चाहते हैं एक डबल टैप के साथ, तो आप उन्हें वन बाय वन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और वो सब ऊपर से नीचे तक एक के बाद एक परफॉर्म हो जाएंगे। फ्लैश लाइट के लिए आपको इसे कैमरा का परमिशन देना पड़ेगा, जैसे कि सारी एप्लीकेशंस आपको मांगते हैं फुल एक्सेस के लिए फ्लैश लाइट की। तो उसके बाद अभी अगर हम इसे डबल टैप करते हैं तो ये फ्लैश लाइट को ऑन कर देगा, पर ये आपको इसमें अलग सेटिंग्स भी करना पड़ेगा, जैसे कि गेट्स में आप ये चीज़ इसमें टॉगल कर सकते हैं कि कौन कौन सी टाइम पे ये वर्क नहीं करेगा। डिस्प्ले ऑफ में है, तो अभी अगर मैं इसे इसका स्क्रीन ऑफ करके मतलब लॉक स्क्रीन पे इसे डबल टैप करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको इसे ऑफ करना पड़ेगा, इसके बाद अब स्क्रीन ऑफ टाइम में भी डबल टैप करने से ये टॉगल हो जाएगा, या फिर फ्लैश लाइट या फिर जिस भी एक्शन को आप इसके साथ असाइन करेंगे वो अभी टॉगल हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें देखने को मिलती है, अभी स्क्रीन ऑन हो जा रहा है जब कभी भी मैं इसे टॉगल करता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फीडबैक के अंदर जाके वेक डिवाइस का जो एक टॉगल है उसे आपको ऑफ करना है। तो अभी स्क्रीन ऑफ टाइम पे जब भी हम इसे टॉगल करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन नहीं करेगा। अभी वाइब्रेट को आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए ऑन पे छोड़ रहा हूँ। अगर विदाउट एनी कवर या फिर कोई भी पतली सी कवर यूज़ करते हैं तो इतने सी सेंसिटिविटी को रख सकते हैं, ये बहुत ही एक्यूरेटली डिटेक्ट कर देता है। और अभी ये जो नया वर्जन है इसका, मैं आपको जिसका लिंक देने वाला हूँ, ये आपके फ़ोन का जो बैटरी है उसे थोड़ा कम ड्रेन करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में दिखे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।